चार लोकसभा में जनता झारखंड की मतदान कर रही है और अभी फिलहाल हम गिरिडीह लोकसभा में हैं। ये बागमारा पड़ता है और महुदा अंचल प्राथमिक विद्यालय है छोटा पांडेडी। यहाँ पे लोगों में जो थोड़ा चूंकि धूप अधिक तेज हो गई है तो कम संख्या देख रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा मिला सही। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ। पर्ची वगैरह भी सब मिला हुआ है और लोग कतारबद्ध में लगे हुए हैं, आप तो देख रहे हैं। और बड़ी उत्साह है लोगों के दिल में और ये उत्साह जो है, भीड़ तो कम दिख रहा है। भीड़ गर्मी है किंतु अभी समय भी तो कहाँ, सुबह हुआ है ना, अब तो समय धीरे धीरे बीतेगा ही, तो लोग आएंगे ही। ये बूथ संख्या 178 179 है और यहाँ पे लोग, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी वोट कर चुके? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो आपको जब आपका उम्र हुआ तो आप कार्ड बनाने में कोई समस्या, ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया? क्या ऑफलाइन किया सर? ऑफलाइन किए थे, आसानी से मिल गया। हाँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या नेताओं को सुन के अपना ख्याल बनाया है या माँ पिता से पूछ के बनाया है? माँ पिताजी से पूछ के। आप कितनी बार वोट दे? दो बार दे दिए। दो बार? कितने देर से आप खड़े हैं? अभी 5 मिनट हो, अभी आए हैं तुरंत। तो लगभग देखिए 178 और 179 दोनों में एक समान आपको लोगों की लाइन दिख रही है। इस बार भीड़ कम है, क्या वजह है? कोई खास? नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा। और सवेरे से पहले भीड़ बहुत काफ़ी थी। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ है, उस टाइम भीड़ बहुत काफ़ी थी। आप सब कोई मना धीरे धीरे अपना नाश्ता पानी करके अपना आया, महिला लोगों को थोड़ा सा लेट से तो आएंगे। आप लोग घर के? हाँ, बूथ हम लोग का सामने है, सब सामने से पड़ता है। आप लोग घर का काम करके आए हैं कि यहाँ से जा? काम का काम करके आए हैं। घर का काम करके आए हैं आप लोग? हम भी। देखिए खाना वाना खा के आए हैं आप बाबा? तो हम देखो ना, कई बार दौड़े से। अच्छा, काहे क्यों दौड़ना पड़ रहा है? तो ये लाओ वो लाओ, आधार कार्ड लाओ, वोटर कार्ड लाओ, कितना देखी ना। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है? तो कहा बोलेंगे? हाँ, क्या आप वोट दे दिए? दे दी। हाँ, उंगली दिखाइए कहाँ आए, कितना बार वोट दिए आप? जब जब होता है वोट तब तब देते हैं। तब तब? हाँ। तो किस मतलब हस्बैंड से पूछते हैं, बाल बच्चा से पूछते हैं या अपना मन से वोट करते हैं? अपना मन से वोट करते हैं। आ? नेता लोग आके आपसे मिलता होता है? मिलते तो नहीं है। मिलता नहीं है? नहीं। यूथ लोग है, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं नहीं। अच्छा, आप पहले भी दे चुके हैं? तो चूंकि धूप तो है ही, लेकिन उतना उत्साह नहीं दिख रहा है यहाँ वोटरों का? अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो वोटर बताएंगे क्या है नहीं उनका परेशानी। तो क्या कोई खास कारण जैसे पर्चा वगैरह मिलना या बूथ में मिलना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, युवाओं में उत्साह कम है। आप लोग घर का काम करके आए हैं या? नहीं, हम लोग छोड़ के आए, अभी जाएंगे तो खाना बनाएंगे। अच्छा, अभी जाके खाना? हम तो वोट दिए ही नहीं, मेरा तो दिखाई नहीं रहा, नाम ही नहीं दिखा रहा है। पता, आपके पास वोटर आई डी? हाँ, वोटर आई डी है, फिर भी नहीं दिखा रहा है। तो आसपास के बूथों में देखा, डिलीट हो गया या? पता नहीं, वो तो बताएंगे अंदर में ना कि क्या हुआ, डिलीट हुआ है ना क्या हुआ है। हाँ, बोली बोलना। गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनके लिए गाड़ी का भी व्यवस्था किया गया है, मेरी मम्मी गंभीर बीमारी से पीड़ित। अच्छा, ये प्रशासन ने किया? प्रशासन ने व्यवस्था किया इसका। अच्छा, गाड़ी का जी, और उनको लाना और वोटिंग करा करके पहले जो भी विकलांग व्यक्ति है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको पहले प्राथमिकता दे करके पहले वोटिंग करा के जल्द से जल्द छोड़ा जा रहा है उनको, मैंने 5 मिनट भी समय नहीं लिया जा रहा, बढ़िया व्यवस्था किया गया। अच्छा, ये गाड़ी प्रशासन ने दिया है कि ले आएगा और छोड़ेगा? जी बिल्कुल जी, प्रशासन ने। तो ये व्यवस्था तो यहाँ पे ठीक हुआ है, लेकिन कई ऐसे बूथ है जहाँ पर लोगों की शिकायत है कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि वहाँ मतदाताओं की संख्या अधिक है, कई एक का वोटर लिस्ट से नाम गायब है, इस तरीके की भी समस्या आ रही है। आयोग को इस सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, BLO स्तर से ही ये कन्फर्म करा लेना चाहिए वोटिंग से पहले कि कहीं कोई असुविधा ना हो। और जितना सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखा जाता है कि सुरक्षा पुख्ता रहे, महिला बल हो पुरुष बल हो सबकी तैनाती की जाती है,
उतना ही ख्याल मतदाताओं का भी रखा जाए। जब लोकतंत्र में मतदाता ही भगवान है, तो जब भगवान आते हैं कहीं पर तो उनकी जैसी तैयारी और स्वागत किया जाता है, वैसा ही आयोग को भी करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग वोट करें। गिरिडीह में तो फिलहाल उत्साह है मतदाताओं में, कई एक बूथ ऐसे भी हैं जहां कम पोलिंग हो रही है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी हम कहीं और आपको लेकर चलते हैं, उन बूथों का क्या हाल है, वहां क्या व्यवस्था है, लोगों के दिमाग में क्या है, कितनी लंबी कतार है या कहीं पोलिंग ही नहीं हो रहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.